जैसे कि फ्रेंड आप सभी लोग देख सकते हैं, हमारे पास टाटा कंपनी की सफारी गाड़ी आई है, न्यू वर्जन फ्रेंड। इसमें फ्रेंड हमारे कस्टमर जी का कंप्लेन क्या है कि जब ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इंजन के अंदर से बहुत साउंड आता है, तो हम वो साउंड चेक करेंगे स्टार्ट करने के बाद, वो साउंड किस चीज़ का है किस चीज़ का नहीं है। उनका कंप्लेन है एकदम ऐसा लगता है कुछ बैरिंग वेरिंग टूट रहा है, जैसे ट्रेटर का बैरिंग टूट गया हो या टेंशनर बैरिंग हो या हैंडर बैरिंग हो, जो भी ऐसा लग रहा है उनको। हम सबसे पहले तो इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके आपको इसका साउंड सुनाते हैं कि वो साउंड क्या है। सबसे पहले तो हम इसका बोनट ऑफ करेंगे। तो अंसारी जी गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, अंदर बैठिए। हाँ स्टार्ट कीजिए। तो अब हम इसका आपको आवाज़ सुनाएंगे, देखिए मुझे सब खटा कर आवाज आ रहा है। देख सकते हैं इसका आवाज़ कैसा आवाज़ आ रहा है। हमको इसका बेल्ट उतारते हैं, बेल्ट उतार के चेक करते गाड़ी का आवाज़ है। हमारे कस्टमर का कंप्लेन है साउंड का, तो हम इसको चेक करेंगे पहले बेल्ट उतार के कि किस चीज़ का साउंड है, अल्टरनेटर का है कि पुल्ली का है कि टेंशनर का है, जो भी है। बंद करो। तो जैसे कि हमने आपको स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाया था, तो फ्रेंड हम इसका बेल्ट जो अल्टरनेटर का बेल्ट आता है उसको बाहर निकालते हैं और निकाल के एक एक पुल्ली हर पुल्ली को घुमा के चेक करते हैं कि साउंड किसका है, अल्टरनेटर का पुल्ली का है कि अल्टरनेटर के अंदर से बैरिंग टूट गया है या टेंशनर का है या इसी कंप्रेसर का है या हाइडलर का है, जो भी है। ठीक है, एक बार हम इसका बेल्ट उतारते हैं, बेल्ट उतार के चेक करते हैं। तो फ्रेंड हम इसका बेल्ट उतार रहे हैं, ये टेंशनर है इसका बेल्ट का है। इसको आप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आपका बेल्ट आसानी से बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस प्रकार से आपको पीछे लेना है। जैसे आप पीछे लेंगे आपका बेल्ट उतर जाएगा। ठीक है, ये टेंशनर को आपको पीछे की तरफ लेना है। तो हमने अभी इसका बेल्ट उतार दिया है, अब गाड़ी को एक बार स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम जरा इसका टेंशनर घुमा लेते हैं। ये देखिए ये इसका टेंशनर का बैरिंग ठीक है, ये हाइडलर पुल्ली भी ठीक है, ये भी हाइडलर पुल्ली ठीक है। देख सकते हैं इसका एसी का कंप्रेसर भी चेक कर लेते हैं, इसका एसी का कंप्रेसर भी ठीक है। अब इसका अल्टरनेटर का बैरिंग चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड इसमें हमको प्रॉब्लम दिख रहा है, ये देखिए अल्टरनेटर वाच कर रहा है, ये देखिए प्ले आ गया इसमें अल्टरनेटर में, तो इसका मतलब अल्टरनेटर का ही वाच है। ये देखिए तो हम इसका अल्टरनेटर बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के आपको अच्छे से दिखाते हैं एक बार। सबसे पहले एक बार मंगता तो आपको स्टार्ट करके दिखा देते हैं जो साउंड था वो साउंड आ रहा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड हमने गाड़ी चालू किया है, देखिए हमारा गाड़ी एकदम साइलेंट है, अभी कोई आवाज़ नहीं है। ठीक है, अभी हमारा कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा अल्टरनेटर का ही साउंड है। हमने बेल्ट उतार के भी देख लिया, तो उसका अल्टरनेटर बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के फिर आपको क्लियर चेक करके दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड हम इसका अल्टरनेटर ओपन कर रहे हैं, देखिए अल्टरनेटर का जो वायर है मेन वायर उसको ओपन कर रहे हैं। एक बोल्ट ये है, एक बोल्ट इसी ऊपर है, तो दोनों बोल्ट हम ओपन करेंगे, ओपन करके अल्टरनेटर बाहर निकालेंगे। अब अल्टरनेटर बाहर निकालने के लिए क्या क्या आपको ओपन करना पड़ेगा वो हम आपको बताएंगे। तो अब हम अल्टरनेटर का बोल्ट ओपन कर रहे हैं, नीचे का बोल्ट हम ओपन कर रहे हैं, ऊपर का बोल्ट भी हम ओपन करेंगे। तो ये हमारा 18 नंबर का बोल्ट है, तो ये नीचे का हमने ओपन कर दिया है, ऊपर का भी ओपन करेंगे, ऊपर का बहुत अड़चन में है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था
एक बोल्ट हमारा आगे के से है और जनरेटर का एक बोल्ट देखिए इधर पीछे है, एलंकी दिया है ठीक है। तो एक बोल्ट हम पीछे से ओपन, आगे का हमने ओपन कर दिया है। आगे का यहाँ पे हमने आपको बताया था, यहाँ पे 18 नंबर का ये बोल्ट था ये जगह पे, तो ये हमने ओपन कर दिया है। अब ऊपर का जो है ये आप 15 नंबर के रिंग पाने से ओपन कर सकते हैं उसको, तो हम उसको ओपन करने जा रहे हैं। या तो आप एलंकी के टूल से भी ओपन कर सकते हैं, एलंकी का हमारे पास टूल्स भी है। सबसे पहले हम 14 के वन साइड से ओपन करके देखते हैं, अगर नहीं ओपन हुआ तो हम एलंकी से ओपन करेंगे। इसका हम दूसरा बोल्ट भी ओपन कर रहे हैं, देखिए अल्टरनेटर का एक बोल्ट आगे के साइड है, एक बोल्ट पीछे के साइड है। आगे का जो बोल्ट है वो 18 नंबर का बोल्ट है और पीछे का जो है वो एलंकी टाइप दिया है, वो आप 14 के वन साइड से भी खोल सकते हैं, नहीं तो आपको एलंकी पाने से भी खोल सकते हैं। ये हमारा 14 के वन साइड से खुल गया है, इसके लिए हमने 14 के वन साइड से इसको ओपन कर दिया है। तो अल्टरनेटर का दोनों बोल्ट हमने ओपन कर दिया है। अब इसको बाहर लेने के लिए, बाहर लेकर देखते हैं कि क्या रोकेगा इसको बाहर लेने के लिए, जो भी चीज़ रोकेगा उसको ओपन करेंगे। तो ये हमारा दोनों बोल्ट बाहर आ चुका है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा अल्टरनेटर बाहर आ चुका है ठीक है। मेरे फ्रेंड ये बाहर नहीं निकल रहा है, ये हमारा जो ऑयल फिल्टर का बॉडी आता है ये रोक रहा है बाहर आने के लिए। तो हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करके फिर यहाँ से अल्टरनेटर को बाहर निकालते हैं। हमने दोनों बोल्ट ओपन कर दिया है, इसको जगह से बाहर भी ले लिया, देखिए सिर्फ ये ऑयल फिल्टर बॉडी रोक रहा है, तो ऑयल फिल्टर बॉडी बाहर लेते हैं और उसके बाद एक बार निकाल कर फिर आपको बाहर लेकर दिखाते हैं। फिल्टर का बॉडी बाहर खोल कर देखिए हमने नीचे लिया है, तो यहाँ से हमें अड़चन दे रहा है, देखिए पाइप बाहर नहीं आने दे रहा है। तो हम इसको पीछे से क्रॉस मेंबर के ऊपर से देखते हैं, ट्राई करते निकलता है क्या, यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए देखिए यहाँ से हम ट्राई कर रहे हैं, तो ये देखिए ये पीछे से साइलेंसर के बाजू से क्रॉस मेंबर के यहाँ से हम निकाल रहे हैं। ये देखिए ये हमारा अल्टरनेटर हमने यहाँ से बाहर निकाला क्रॉस मेंबर के ऊपर के साइलेंसर के यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्या है यहाँ से हमें अड़चन दे रहा था, ये पाइप टच हो रहा है बीच में। तो ऑयल फिल्टर बॉडी हमने बाहर निकाला, इसको नीचे लिया, यहाँ से पीछे से घुमा कर हमने क्रॉस मेंबर के यहाँ से बाहर ले लिया है। फ्रेंड ये देख सकते हैं, ये देखिए इसमें प्ले है, ये देखिए ये प्ले मार रहा है, देखिए ये देखिए ऐसा प्ले हो रहा है, ये देखिए ये पूरा प्ले मार रहा है देखिए ठीक है। तो हमें इसका पुल्ली जो है रिप्लेस करेंगे, ये पुल्ली का बैरिंग जो है वो चला गया है देखिए, इसके लिए प्ले आ गया है, तो ये हम पुल्ली रिप्लेस करके फिर आपको फिट करके गाड़ी दिखाएंगे। तो फ्रेंड हमने इसका पुल्ली बाहर निकाल लिया है, देखिए इसमें ये देखिए इसका पाना है, पानी टाइप दिया है ठीक है। फ्रेंड इसमें क्या प्रॉब्लम है वो हमको बताते हैं कि वो आ जा रहा था। देखिए इसको क्या होना चाहिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसको यहाँ पे आपको लॉक करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉक कीजिए, यहाँ पे भी लॉक कर सकते हैं आप ठीक है। तो ये आपका जो पुल्ली है ना ये एक साइड आपका घूमना चाहिए और दूसरे साइड ऐसा लॉक होना चाहिए, लेकिन ये देखिए दोनों साइड लॉक हो गया है पुल्ली ये देखिए, ये एक साइड ऐसा लॉक होना चाहिए और आगे के साइड में एकदम फ्री घूमना चाहिए, लेकिन घूम नहीं रहा है देखिए पूरा जाम हो गया है। जाम होने के कारण ये पुल्ली एक जगह पे लॉक हो गया, इसके लिए जो गाड़ी जब कस्टमर स्टार्ट करते हैं तो एकदम टूटने जैसा कुछ साउंड आता है, तो इसके लिए हमें पुल्ली रिप्लेस करेंगे। पुल्ली रिप्लेस करने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम था कस्टमर का आवाज़ का वो सॉल्व हो जाएगा, वो हम आपको दिखाएंगे ठीक है। देखिए ये आगे के साइड में घूमना चाहिए ऐसा फ्री पुल्ली, वो हम आपको नया फिट करके फिर आपको घुमा के दिखाते हैं। देखिए ये देखिए एक साइड ना ये साइड घूम रहा है ना ये साइड घूम रहा है ठीक है। तो हमें पुल्ली रिप्लेस करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारा जूना पुल्ली, इसमें क्या प्रॉब्लम था देखिए, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से और इसके आगे तक पूरा जो बॉल आता है पूरा टूट चुका है। देखिए यहाँ तक बॉल है, जो देखिए इसका जो छर्रा आता है पूरा टूट चुका है, इसके लिए जाम हो गया था। तो हमने इसमें पुल्ली रिप्लेस कर दिया है, हमारा नया वाला पुल्ली है। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था एक साइड लॉक होना चाहिए और एक साइड घूमना चाहिए, देखिए एक साइड हमारा लॉक हो रहा है और पीछे के साइड देखिए ये देखिए एक साइड घूम रहा है, देखिए ऐसा फिर से दिखाते, देखिए एक साइड लॉक हो रहा है एक साइड घूम रहा है ठीक है। फ्रेंड तो ये हमारा पुल्ली जो था घूम नहीं रहा था, पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, इसका जितना बॉल है सब टूट चुके थे देखिए
इसके लिए हमने पुली रिप्लेस किया है, इसके लिए साउंड आ रहा था गाड़ी में। देखिए तो ये हमारा पुली अब रिप्लेस हो चुका है, तो अब हम इस अल्टरनेटर को गाड़ी में वापस से फिट करेंगे और फिट करके फिर बेल्ट चढ़ा के स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं जो हमारा साउंड का कंप्लेंट था वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। इसका अल्टरनेटर फिट करने जा रहे हैं। देखिए तो जहाँ से हमने निकाला था क्रॉस मेंबर के ऊपर से, जैसा कि आपको बताया था वहीं से डालेंगे इसको। तो देखिए यहाँ से साइलेंसर के बाजू से आपको डालना है, यहाँ से ऊपर लेना है, एक हाथ आपको यहाँ से डालना है, अब हम इसका ऊपर का बोल्ट फंसा रहे। देखिए ये हमारा ऊपर का बोल्ट है, हमने नीचे का बोल्ट फंसा दिया है, एक आगे से बोल्ट है एक पीछे से बोल्ट है। ये हमारा पीछे का बोल्ट है, ये आगे का बोल्ट दिखाइए इनको, ये हमारा आगे का बोल्ट है, देखिए यहाँ पे है, दो बोल्ट है इसमें अल्टरनेटर फ्रेंड। ये आगे का है, इसमें 18 का बोल्ट नट है, और पीछे जो है हमारा एलंकी टाइप है, वो 14 के वन साइड से या एलंकी के बॉक्स पाने से ओपन कर सकते हैं आप। हम फाइनल टाइट कर देते हैं, फाइनल टाइट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो अब हम अल्टरनेटर का बेल्ट जो है, अल्टरनेटर का बोल्ट, उसको फाइनल टाइट कर रहे हैं। देखिए ये हमारा 18 नंबर का जो बोल्ट है टाइट हो चुका है, और इसके पीछे जो एलंकी का बोल्ट वो भी हमने टाइट कर दिया है। तो फ्रेंड हमने इसका दोनों बोल्ट टाइट कर दिया है, देखिए ये वाला भी और आगे वाला भी। तो इसका जो मेन वायर है वो लगा रहे हैं। अब इसका जो ऑयल फिल्टर बॉडी हमने ओपन किया था इसको लगाएंगे। ये इसका ऑयल फिल्टर है जो हमने ओपन किया था, हमारा अल्टरनेटर बाहर नहीं आता इसके लिए, उसको अब लगाएंगे हम। सबसे पहले तो इसको ऑयल फिल्टर को अंदर डाल देंगे, देखिए इसमें बिठा दीजिएगा। ये हमारा ऑयल फिल्टर बॉडी भी टाइट हो चुका है, ये हमारा ऑयल फिल्टर बॉडी भी टाइट हो चुका है। अब हम इसका जो अल्टरनेटर का बेल्ट ओपन किए हैं, बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट लाइए। तो फ्रेंड अब इसका अल्टरनेटर का बेल्ट लगा रहे हैं, तो हम आपको इसका पोजीशन बताएंगे। इसमें सबसे पहले तो आपको पावर स्टीयरिंग पंप पे और कंप्रेसर पे, ठीक है, ये हमारा पावर स्टीयरिंग पंप है, कंप्रेसर है, सब पे आपको बेल्ट चढ़ा देना है बार बार। एक क्रैंक पुल्ली पे भी चढ़ा लेना है, यहाँ पे देखिए एक हाइडलर पुल्ली है, यहाँ पे चढ़ा लेना है, फिर उसका अल्टरनेटर पे चढ़ा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको एसी कंप्रेसर और क्रैंक इसके बीच में से बेल्ट लेकर इस तरह से आपको ये हाइडलर पुल्ली पे चढ़ाना है, देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपको इस दोनों पुल्ली के बीच में से एसी कंप्रेसर और क्रैंक पुल्ली के बीच में से आपको इस हाइडलर पुल्ली पे लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर एक क्रैंक पुल्ली और जो हमारा अल्टरनेटर है, देखिए क्रैंक पुल्ली और हमारा जो अल्टरनेटर है इसके बीच में से आपको इसके टेंशनर पे लेना है, ये टेंशनर पे देखिए 14-15 रिंग बना दीजिए। तो फ्रेंड हमने इसका अल्टरनेटर बेल्ट चढ़ा दिया, देखिए जिस तरह से हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको जितना भी हाइडलर पुल्ली है सब पे आप चढ़ा लेना है, फिर एक क्रैंक पुल्ली और कंप्रेसर के बीच में से आपको ये हाइडलर पे चढ़ाना है, और उसके बाद से ये अल्टरनेटर और एक क्रैंक पुल्ली, ये दोनों के बीच में से टेंशनर पे चढ़ाना, आपका बेल्ट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने आप इसका बेल्ट चढ़ा लिया है,
अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके चेक करेंगे जो हमारा साउंड का कंप्लेन था। जो भी इसके पार्ट अल्टरनेटर ओपन करने के लिए ओपन किए थे सारे फिट कर दिए। देखिए हमारा बेल्ट भी चढ़ चुका है, ऑयल फिल्टर बॉडी जो हमने ओपन किया था वो भी हमने लगा दिया है, सारे चीज़ फिट कर दिया है, सिर्फ गोला वोला बाद में लगाएंगे स्टार्ट करने के बाद। तो हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके इसका सुनते हैं जो हमारा साउंड का कंप्लेन था। तो सुन सकते हैं आप लोग साउंड, देखिए एकदम साइलेंट हमारा साउंड हो गया है। पहले देखिए कितना घर 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 वो आ जाता था, अरे देखिए एकदम मामूली जो नॉर्मल रहना चाहिए वो नॉर्मल आवाज है। ये हमारा ऑयल फिल्टर बॉडी हमने ओपन किया था, जैसे हमारा ऑयल भी लीकेज नहीं है, ठीक है। तो हम पूरा गाड़ी को अब पूरा फाइनल कर देते हैं, जो भी हमने ओपन किया था गोला वोला टायर वायर सब लगा लेते हैं डाउन करके, फिर आपको चाहिए तो एक बार स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये देख सकते हैं इसका साउंड, फायरिंग वायरिंग सब एकदम साइलेंट है, देखिए थोड़ा भी आवाज़ नहीं है। पहले ऐसा आवाज़ आता था जैसे कि कुछ टूट जाएगा, तो देखिए एकदम स्मूथली आवाज़ है, ठीक है। तो हम गाड़ी को फाइनल कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने टाटा सफारी को चालू करके रखा है, इसका अल्टरनेटर चेक करने के लिए अल्टरनेटर चार्ज कर रहा है इसमें। तो आप देख सकते हैं हमारे मशीन में दिखा रहा है अल्टरनेटर टेस्ट, तो हम अल्टरनेटर टेस्ट पर जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग लिख के आ रहा है वोल्टेज इंक्रीजिंग 13.72 वोल्टेज। देख सकते हैं आप लोग अल्टरनेटर का रिजल्ट रिपल गुड है, वोल्टेज 13.72 गुड, अल्टरनेटर गुड है। देख सकते हैं आप लोग हमने एसी भी डाला है और हेडलाइट भी डाला है, हेडलाइट दिखाइए। हमारा वोल्टेज डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है 13.72 वोल्ट। इसका मतलब हमारा अल्टरनेटर बिल्कुल ओके है, इंजन में जरा भी साउंड नहीं है जैसे पहले घड़घड़ 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 करता था। हमारा अल्टरनेटर 15 कैमर में चार्ज करना चाहिए, 15 का एबव नहीं होना चाहिए, अगर 15 का एबव रहेगा तो अल्टरनेटर का प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड जो ये हमारी गाड़ी थी, देखिए इसको पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर दिया है। हमने इसका ऊपर से एयर फिल्टर एक कवर और ओपन किया था, जो ऊपर से एक बोल्ट हमारा जो अल्टरनेटर का था ऊपर से नीचे से खोलने के नहीं जम रहा था, तो ऊपर से हमने ओपन किया था, ऊपर से खोलने के लिए ज़्यादा टाइट था करके, तो हमने ये सारी चीज़ फिट कर दिया है। ये देखिए हमारा जो टायर वायर हमने गोला वोला जो ओपन किया था वो सारी चीज़ें हमने एकदम प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया है, ठीक है। तो अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके आपको वो साउंड सुनाते हैं। जो हमारा साउंड का कंप्लेन था हमारी तरफ से पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, हमने इसका टेस्ट ड्राइव भी ले लिया है, आपको एक बार इसको दिखाते हैं कि देखिए कुछ आवाज़ आ जाए। देख सकते फ्रेंड हमने इसका गाड़ी स्टार्ट किया है, देखिए हमने गाड़ी का एसी भी डाला हुआ है क्योंकि एसी डालने पे कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आता था, ऐसा लगता है कि कुछ बैरिंग वरिंग फूट के बाहर आ जाएगा। हमने इसका एसी भी डाला हुआ है, देखिए गाड़ी भी स्टार्ट है। हम आगे से देख सकते हैं इसके मीटर पे कोई भी चेक लाइट वेकलाइट नहीं है, हमने बहुत सारी चीज़ें ओपन किया था, देखिए हमारे मीटर पे कोई भी चेक लाइट नहीं है। देख सकते हैं हमारे आरपीएम का काटा भी बढ़ रहा है, हमारी गाड़ी स्टार्ट भी है, देखिए इस पर कोई लाइट नहीं है। हम आगे से थोड़ा आवाज़ सुना दीजिए। हाँ रेस कीजिए मनोज जी। तो ये हमारी गाड़ी आज फाइनल हो चुकी है, हमने इसमें अल्टरनेटर का जो पुल्ली आता है उसे रिप्लेस किया है, क्योंकि फ्रेंड वो क्या हुआ था जाम हो गया था, उसे कैसे एक साइड फ्री घूमना चाहिए एक साइड लॉक होना चाहिए, लेकिन हमारा दोनों साइड में लॉक था जिसके लिए आवाज़ आता था। तो जो भी इसमें कंप्लेन था हमने सॉल्व कर दिया है। तो आज का हमारा वीडियो था हमिंग साउंड का, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो और हम लोगों का काम अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।